हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर्स। तो आज हम देखने वाले डोर्स का ऑप्शन। 3ds Max सॉफ्टवेयर में हमें डोर्स, विंडोज और स्टेयर्स, ये जो ऑप्शंस है वो रेडीमेड अवेलेबल है, तो उसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे डोर्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डोर्स में। 3 टाइप्स है। पहले तो प्योर डोर है, स्लाइडिंग है और बाइफोल्ड डोर है। तो हम लेंगे प्योर डोर। तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएशन मेथड है। सबसे पहले आपको विड्थ देनी है, फिर उसकी डेप्थ देनी है और फिर हाइट देना है। तो ये हो गया प्योर डोर। तो यहाँ पे अगर आपको विड्थ, हाइट या डेप्थ ये वाली मेथड चाहिए तो आपको ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट करना है और फिर आपको सिंपली वो ड्रैग करके ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे पैरामीटर्स है, उसके ओवरऑल पैरामीटर्स है। अगर आपको हाइट चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है या डेप्थ, तो ये आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स डायमेंशन डालेंगे, जो कि डोर की हाइट होती है वो 7 फीट रहती है। फिर यहाँ पे हम उसकी विड्थ डालेंगे 48 इंचेस, यानी कि 4 फीट उसकी विड्थ रहती है और 9 इंचेस उसकी हम डेप्थ डालेंगे। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डबल डोर्स। तो आपको अगर डबल डोर्स नहीं चाहिए तो आप सिंगल डोर भी रख सकते हो। तो वो पता कैसे चलेगा ये सिंगल डोर है या डबल डोर है? तो यहाँ से हम जब ओपन करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा। फिर यहाँ पे हम डबल डोर्स भी कर सकते हो, तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो पूरा अगर आपको कितने एंगल में करना है उतने एंगल में आप ऐसे डोर्स ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्लिप स्विंग, अगर आपको उस साइड चाहिए तो उस साइड भी आप कर सकते हो चेंजेस। फिर यहाँ पे नीचे फ्रेम के पैरामीटर्स है, ये जो रहता है आउटसाइड जो फ्रेम दिखाई दे रही है तो उसके पैरामीटर्स है। तो उसकी थिकनेस अगर आपको कम ज़्यादा करनी है, सॉरी वो लिफ्ट के थे, यहाँ पे फ्रेम के पैरामीटर्स है। तो उसकी विड्थ आपको चेंज करनी है, उसके डेप्थ में कुछ चेंजेस करना है, डेप्थ चेंज करना है या विड्थ चेंज करना है। फिर डोर ऑफसेट, डोर का जो डिस्टेंस है फ्रेम के फ्रेम से, डोर का जो डिस्टेंस है फ्रेम से कितना नज़दीक रखना है वो आप यहाँ से दे सकते हो डोर ऑफसेट से। अभी हम फ्रेम के भी स्टैंडर्ड डायमेंशन डालेंगे। फ्रेम की जो विड्थ रहती है वो 2 इंचेस की रहती है। फिर उसकी जो डेप्थ है वो 1 इंचेस, एंड उसका डोर को ऑफसेट हम कुछ देंगे नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसको 0 इंचेस ही रखेंगे। फिर यहाँ पे लीफ के पैरामीटर से, लीफ यानी कि ये जो पोर्शन है जो ओपन हो गया है उसको लीफ कहते हैं और ये जो पोर्शन है उसको फ्रेम कहते हैं। तो लीफ में भी हम लीफ की थिकनेस चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा। फिर यहाँ पे टॉप रेल एंड बॉटम रेल, तो जो फ्रंट का पोर्शन है वो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं टॉप रेल एंड बॉटम रेल में। बॉटम रेल में आप देख सकते हो नीचे से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं एंड टॉप रेल में साइड के चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पैनल्स चाहिए तो आप यहाँ पे पैनल्स भी ले सकते हो, जितने चाहिए उतने। हॉरिजॉन्टल पैनल्स चाहिए तो वर्टिकल आ रहे हैं, एंड वर्टिकल अगर आप लोगे तो हॉरिजॉन्टल वो अपोजिट आ जाता है, तो आप वो ले सकते हो जितने चाहिए उतने। फिर यहाँ पे ये नीचे का ऑप्शन है मेंटेन करके, वहाँ पे आप जो है वो थिकनेस उसकी कम ज़्यादा कर सकते हो पैनल्स की। फिर यहाँ पे पैनल्स में और भी ऑप्शन है, आपको ग्लास के पैनल्स चाहिए या बीवेल्ड पैनल्स चाहिए। अगर आप ग्लास के पैनल यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप थिकनेस दे सकते हो, उसकी कम ज़्यादा थिकनेस कर सकते हो। अगर आपको बीवेल्ड चाहिए तो यहाँ पे बीवेल का एंगल देना है आपको, कितने एंगल कितना रखना है बीवेल का। फिर यहाँ पे थिकनेस 1 है, तो देख सकते हो दोनों साइड उसके इफेक्ट आ रहे हैं थिकनेस 1 से। फिर थिकनेस 2 है यहाँ पे, उससे भी यहाँ पे डोर्स पे चेंजेस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मिडियल थिकनेस है तो वो भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे विड्थ 1 है, विड्थ 2 है। तो ये जो बीवेल के ऑप्शन है उस लेवल तक आप बीवेल कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं प्योर डोर के। तो अभी हम नेक्स्ट डोर देखेंगे, स्लाइडिंग डोर। तो उसके लिए भी हमने विड्थ दे दी, फिर डेप्थ और ये हाइट।
हाइट। तो यहाँ पे भी सेम ओवरऑल पैरामीटर से उसकी अगर आपको विड्थ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है या डेप्थ चेंज करनी है, वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्लिप फ्रंट बैक या फ्लिप साइड, कैसे आपको फ्लिपिंग करना है वैसे आप रख सकते हो। अगर आप ओपन करोगे इसको तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। स्लाइडिंग जो डोर्स जो फ्लैट में रहते हैं, जैसे बालकनी सिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो स्लाइडिंग डोर्स। तो यहाँ पे फ्लिपिंग जो है आप चेंज कर सकते हो, उस साइड भी कर सकते हो, इस साइड भी। तो ये ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके भी हम स्टैंडर्ड डायमेंशन डालेंगे, हाइट डालेंगे 7 फीट, फिर उसकी विड्थ डालेंगे हम 48 इंचेस यानी कि 4 फीट, एंड डेप्थ डालेंगे उसकी 9 इंचेस। जो आपकी वॉल की जो विड्थ डेप्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग डोर की भी डेप्थ रहेगी। फिर यहाँ पे फ्रेम के पैरामीटर्स डालेंगे हम, जो कि ऑटोमेटिकली जब हम ये ऊपर के डायमेंशंस डाल देते हैं पैरामीटर्स, तो फ्रेम के पैरामीटर्स एडजस्ट हो जाते हैं। विड्थ हमेशा हमें कम रखनी है 2 इंचेस, डेप्थ 1 इंचेस, और डोर ऑफसेट 0 ही रखना है। तो ये फ्रेम के पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी अभी लीफ के पैरामीटर्स है, लीफ में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलग डिज़ाइन बनाना है इसमें तो वो सारे आप चेंजेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे पैनल्स देखे, फिर पैनल्स में भी यहाँ पे अगर बीवेल का ऑप्शन चाहिए तो बीवेल में भी चेंजेस कर सकते हो आप। थिकनेस 1-2 मिडल थिकनेस, विड्थ 1-2, ये बहुत सारे जो ये जो बीवेल के ऑप्शन है वो आपको पूरा ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्लाइडिंग डोर। अभी हम देखेंगे बाइफोल्ड डोर। तो उसके लिए भी हमने विड्थ दे दी, फिर उसकी डेप्थ एंड ये उसकी हाइट। उसके भी सेम ओवरऑल पैरामीटर्स है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, विड्थ डेप्थ वो कर सकते हो। डबल डोर्स चाहिए तो डबल डोर्स, फ्लिप आइदर साइड फ्लिप करना है, अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा। तो स्लाइडिंग डोर्स से पहले जो फ्लैट में यूज़ किया जाता था वो बाइफोल्ड डोर थे। अगर आप कुछ पुराने फ्लैट्स देखोगे तो वहाँ पे जो बालकनी का ओपनिंग है वो कुछ इस प्रकार है। तो ये उस टाइप के डोर्स है। तो उसके भी फ्रेम की विड्थ हाइट डेप्थ ऑफसेट डोर ऑफसेट ये आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे लिफ्ट के जो पैरामीटर्स हैं, उसकी थिकनेस, टॉप रेल, बॉटम रेल, पैनल्स दे सकते हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। फिर ये उसकी थिकनेस, एंड देन ग्लास अगर चाहिए तो यहाँ पे आप थिकनेस बढ़ा सकते हो। तो कुछ ये ऐसे दिखेगा। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। मेरा मोटिव यही है कि 3ds Max सॉफ्टवेयर के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी 3ds Max में मास्टर बन जाए। दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।